तो 403.5 वाटेज क्या प्लान। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रेवल डी में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यदि आप लूम्स और ल्यूमिनस के सोलर पैनल की परफॉर्मेंस के बारे में पता करना चाह रहे हैं कि अप्रैल के एंड में यह सोलर पैनल कैसा परफॉर्म करते हैं, तो यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, उससे पहले मैं इन दोनों पैनल की परफॉर्मेंस मार्च मंथ में, जनवरी मंथ में, दिसंबर में, फरवरी में ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बारे में ही मैं वीडियो बना चुका हूं। आपको मेरी सोलर की प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वह वीडियो आप जरूर देखिए। यदि आप यूटीएल गामा प्लस, लूम सोलर, ल्यूमिनस के पैनल यदि आप परचेस करने का सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अप्रैल के एंड में यह सोलर पैनल कैसा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे ही अभी विंटर खत्म हुई है, तो विंटर के खत्म होने के साथ ही जो सन है, जो सोलर पैनल के ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से जून आते आते जो सन है वो टॉप पर पहुंच जाता है, इस तरह से। तो ऐसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे कि ईच मंथ में यह सोलर पैनल कैसा वर्क करते हैं और इन दोनों सोलर पैनल से क्या क्या अप्लायंसेस रन कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट सोलर पैनल से, ना कि बैटरी कंज्यूम हो पीक टाइम में। तो यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन दोनों सोलर पैनल से क्या क्या अप्लायंसेस रन कर सकते हैं और यह पैनल कितना वाटेज जनरेट कर रहे हैं और इन पैनल से कितने वाटेज के अप्लायंसेस चल सकते हैं। यह फ्रेंड्स ल्यूमिनस का सोलर पैनल है और यह है लूम सोलर का। धूप काफ़ी अच्छी खासी निकली हुई है और यह पीक आवर्स है, क्योंकि यहाँ पर सन, इस टाइम में सनलाइट बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है। और फ्रेंड्स, आज है 28 अप्रैल और अभी लगभग दोपहर के 12:50 PM हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम चल के देखते हैं कि इन सोलर पैनल से क्या क्या अप्लायंसेस रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहां पर 150 वाट, देखिए टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी दोपहर के 1 बजने वाला है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं 150 वाट का कूलर यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ। देखिए यह फुल पर ऑन है, तो फुल पर यह लगभग 150 वाट पावर कंज्यूम करता है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा कि यह कूलर कितने वाटेज कंज्यूम करता है। और फ्रिज पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वह भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन जितने एक्स्ट्रा फैन चल रहे हैं वो मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, जिससे आपको करेक्ट आइडिया लग जाएगा कि आप इन सोलर पैनल से डायरेक्टली कितने अप्लायंसेस रन कर सकते हैं बिना बैटरी से पावर कंज्यूम हुए। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और यहाँ पर देखिए, अभी सिर्फ एक कूलर चल रहा है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने एम्पियर अभी सोलर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी एम्पियर, देखिए 40 वोल्ट्स, 17% लोड है और यहाँ पर अभी बैटरी चार्ज हो रही है 1.3 एम्पियर से, और अभी सोलर से लगभग 6.8 एम्पियर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सोलर पैनल तो काफ़ी एम्पियर जनरेट कर रहे हैं, तो यह यहाँ पर काफ़ी व्यूअर्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरे सोलर पैनल तो काफ़ी कम वोल्टेज, काफ़ी कम एम्पियर जनरेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करते जाएंगे, यानी लोड्स आप बढ़ाते जाएंगे, तो वैसे वैसे एम्पियर भी बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक 10 वाट की LED ऑन की है और साथ ही साथ 75 वाट का एक फैन भी ऑन किया है। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक 10 वाट की LED और 75 वाट का एक मैंने फैन यहाँ पर ऑन किया है। और साथ ही यहाँ पर मैं ऑन करने जा रहा हूँ एक फैन 75 वाट का और साथ ही साथ 8.5 वाट की LED। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने एम्पियर जनरेट हो रहे हैं इन दोनों सोलर पैनल से।
और फ्रेंड्स क्योंकि हमें डायरेक्ट सोलर पैनल से लोड पता करना है बैटरी कंज्यूम ना होते हुए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी कंज्यूम होने लगी। तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होगा कि बैटरी भी कंज्यूम ना हो और साथ ही साथ जितना वाटेज जनरेट कर रहे हैं सोलर पैनल तो उन उतने से क्या क्या अप्लायंसेस रन कर सकते हैं यह हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोड को थोड़ा कम करेंगे तो इसको बैलेंस थोड़ा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 वाट्स 39% का भी लोड है और यहाँ पर बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो बैटरी बिल्कुल चार्ज हो जाए मतलब बैटरी से ना वाटेज दिए जाएं और ना ही वाटेज लिए जाएं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा लगता है यहाँ पर वेट करना होगा जिससे हमें पता लग जाए कि बैटरी फुल चार्ज हो जाए पहले की तरह। देखिए जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो एम्पियर इसमें कम हो जाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले मॉनिटर करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्पियर लगभग 19.5 के आसपास एम्पियर जा रहे हैं। देखिए 21 भी एम्पियर चले गए तो इस समय यह एम्पियर सोलर पैनल से आ रहे हैं लगभग 20 के अप्रॉक्स। तो इसको यदि हम थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे तो यहाँ पर यह एम्पियर अभी कम हो जाएंगे क्योंकि बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी कुछ ही समय में, क्योंकि पहले से तो बैटरी चार्ज थी। तो इस पर जैसे ही हमने फैन ऑन किया था तो लोड बढ़ने की वजह से बैटरी भी ड्रेन होना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए 31.9 वोल्टेज अभी आ रहे हैं, 36 वोल्टेज हो गए और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एम्पियर इस समय कितने आ रहे हैं सोलर पैनल से। देखिए 36 वोल्ट यह वोल्टेज हो गए क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर पता करनी है सोलर पैनल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी ड्रेन होना स्टॉप हो गई है, आप देख सकते हो कि बैटरी ड्रेन होना स्टॉप हो गई है और फुल चार्ज हो गई है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम एम्पियर देखते हैं यहाँ पर तो 14.3 एम्पियर हो गए, तो ये फिर से पहले जैसे ही हो गए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें थोड़ा लोड अभी और अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक फैन अभी और ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर कितने एम्पियर जनरेट हो रहे हैं, लगभग 18.6 एम्पियर, 19 पर भी जा रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम एम्पियर पता करने हैं और यहाँ पर 33.3 वोल्ट सोलर पैनल से जनरेट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर हमें मैक्सिमम वाटेज पता करनी है सोलर पैनल से तो इसलिए हमें थोड़ा मॉनिटर भी करना होगा जिससे एक्यूरेट रीडिंग हमें पता लग जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत रीडिंग फ्लैक्चुएट करती है। यदि हम जल्दी जल्दी रीडिंग कैलकुलेट करेंगे तो रीडिंग गलत भी आ सकती है, तो इसलिए हम थोड़ा एम्पियर को अभी मॉनिटर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स 17.6 एम्पियर अभी हो गए, तो हम थोड़ा सा अभी और लोड इस पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इस फैन को मैं फुल पर ऑपरेट कर दूंगा। और अभी हम देखते हैं कि सोलर पैनल से कितने फुल एम्पियर अभी जनरेट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह हो गए इसके फाइनल एम्पियर। देखिए फाइनल एम्पियर यहाँ पर अगर यदि आप मॉनिटर करेंगे तो यहाँ पर लगभग 19 एम्पियर अभी आ रहे हैं सोलर पैनल से, इसको यदि आप मॉनिटर करेंगे। और देखिए 19.2 हो गए, थोड़ा फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, 18.5 भी हो रहे हैं और यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहे हैं अभी 13.5 वोल्ट। तो यदि फ्रेंड्स हम इसकी वोल्टेज को कैलकुलेट करें तो 19 एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे 31.5 वोल्ट से, तो यहाँ पर ओवरऑल जो वोल्टेज सोलर पैनल से जनरेट हो रहे हैं 598.5 वाट। और इस समय इस वोल्टेज से जो अप्लायंसेस रन कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर एक कूलर, 2 LED 10 वाट्स की, 375 वाट के पैन और 1 LED 8.5 वाट की। तो यदि हम इसको ऐड करेंगे तो 403.5 वाटेज के अप्लायंसेज अभी रन कर रहे हैं सोलर पैनल से। और यह जो सोलर पैनल हैं फ्रेंड्स, मेरे पास दो सोलर पैनल हैं, बट ल्यूमिनस का 370 वाट और लूम सोलर का 375 वाट। तो ओवरऑल वाटेज सोलर पैनल की है 745 वाट।
और फ्रेंड्स पावर लॉस आप देख सकते हो 195 वाट। और फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।